हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और मॉड्यूल 2 एम 2 आर 5 हमारा रनिंग में है। चैप्टर 3 HTML बेसिक्स हमारा रनिंग में था। आज उसका पार्ट 6 है, जिसमें कि हम फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में सीखेंगे। प्रीवियस के वीडियो में भी हमने फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में सीखा था। आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसे ही फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में सीखेंगे, जो कि हमारा फॉर्मेटिंग टैग्स का पार्ट 2 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में आप प्रीवियस के वीडियो में जान चुके हैं कि क्या होता है। आज हम जिन टैग्स के बारे में हमारे प्रैक्टिकल करके देखेंगे, उनमें हमारा जो फर्स्ट रहेगा वो हमारा रहेगा मार्क एलिमेंट। मार्क, अगर आप किसी टेक्स्ट को मार्क करना चाहते हैं, एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है, सपोज हाईलाइट करना चाहते हैं, मार्क करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मार्क टैग का यूज़ करते हैं। इसको भी हमें एक तरह से कंटेनर टैग होता है, हमें इसे ओपन करना होता है, साथ ही इसे क्लोज भी करना होता है। नेक्स्ट मार्क टैग के बाद हम देखेंगे हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स में स्मॉल टैग्स, स्मॉलर टैक्स भी हमारे, अगर हमें कोई टेक्स्ट स्मॉल साइज में लेना है तो हम स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं, स्मॉल एलिमेंट का। ये भी हमारा एक तरह से कंटेनर टैग है। अगर हमें स्टार्ट करा है हमने ये टैग, तो हमें इसे क्लोज भी करना होगा। थर्ड हम देखेंगे बिग एलिमेंट। बिग एलिमेंट हमारे बिगर टेक्स्ट के लिए है। अगर हम हमारे HTML में कोई भी टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड रखवाना चाहते हैं, थोड़ा बिग साइज का रखवाना चाहते हैं, तो हम बिग एलिमेंट, बिग टैग का यूज़ करते हैं। कंटेनर टैग है, ओपन एंड क्लोज दोनों ही है होगा। फोर्थ हम देखेंगे हमारी आज की वीडियो में डिलीट टेक्स्ट, यानी अगर आप डिलीट करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट को, तो उसके लिए आप कौन से टैग्स का यूज़ करेंगे, कौन से एलिमेंट का यूज़ करेंगे, वो रहेगा हमारा डिलीट। और ये इस तरह से रिप्रेजेंट करवाएगा हमारे आउटपुट को कि जो भी टेक्स्ट होगा उसके मिड में एक हल्की सी लाइन आपको शो होगी, जो कि आपके टेक्स्ट को ये बताएगा कि ये जो टेक्स्ट है वो डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट रहेगा वो हमारा INS का रहेगा, जो कि हमारा इंसर्टेड टेक्स्ट को बताएगा। इंसर्टेड टेक्स्ट, मान लीजिए आप कोई भी टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं, अपने वेब पेज में ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंसर्ट एलिमेंट, इंसर्ट टैग का यूज़ करते हैं। और उसके नीचे इस तरह से आपको अंडरलाइन दिखेगी, जैसा कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में शो हो रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एज, अगर आपको आपका जो भी टेक्स्ट है वो आपके नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा बिलो रखना है, नीचे की साइड रखना है, उसके लिए अब सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जिस जो भी हमारा एक तरह से कंटेनर टैग है, ओपन भी करना पड़ता है अगर हमें इस टैग को, तो क्लोज भी करना पड़ता ही है। ये सभी टैग्स हमारे एज अ कंटेनर टैग्स हैं। ओपन होंगे अगर ये टैग, तो इन्हें क्लोज भी करना होगा, तभी इनका इफेक्ट हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई होगा। सुपर स्क्रिप्ट, सपोज आप पावर लगाना चाहते हैं, या इस तरह से आपके टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट के साइज से थोड़ा अप साइड में रखना चाहते हैं, अबव साइड में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सब सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ये सभी हमारे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के अंदर ही आते हैं। प्रीवियस के वीडियो से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होते हैं। आज हम रिमेनिंग हमारे इन टेक्स्ट के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो चलिए हम हमारा टाइम वेस्ट किए बिना नोटपैड को ओपन करते हैं और उस पर एक प्रैक्टिकल करके इसको देखते हैं। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि कल प्रीवियस की वीडियो में जो हमने हमारा एक एग्जांपल क्रिएट किया था फॉर्मेट का, हम उसी पर अपना वर्क करके देखें आगे का भी। तो हाँ, अगर हम हमारे प्रीवियस के किसी सेव की हुई फाइल को ओपन करना चाहते हैं एज अ नोटपैड, तो वो हम किस तरह से करते हैं आज हम ये भी हमारे वीडियो में देख लेते हैं। हमें उस फाइल पर जाकर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद हमें ओपन विथ मिल जाएगा। ओपन विथ में यहाँ पे आपको नोटपैड मिल रहा है, तो हमारे जो भी पहले हमने फाइल सेव करी है वो हमें एज किस वे में मिल जाएगा कि वो हमें जो नोटपैड में जो हमने टाइप किया था उस वे में हमें मिल जाएगा। तो आप जानते हैं हमारे प्रीवियस के एग्जांपल में हमने इन फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज़ करना अच्छे से देख लिया था। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसे एक बार सेव करके इसको रन करके देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट अभी भी वही शो हो रहा है जो कि हमें कल शो हो रहा था। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे हम इस पर अब और ओपन विथ एज अ माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, तो हमें वही शो हो रहा है जो कि हमने कल हमारे जो भी एलिमेंट्स थे उन पर वर्क करके देखा था। अब आज हमने देखा था कि सबसे पहले हम देखेंगे मार्क। ठीक है, मार्क टैग का हम किस तरह से यूज करते हैं। सपोज हमें इस वाले जो हमारी लाइन है इसे मार्क करना है, ये जो हमारा पेज बॉडी लिखा हुआ है इसको, इस पर हम मार्क टैग का यूज करना चाहते हैं ताकि इस टेक्स्ट को क्या किया जा सके, मार्क किया जा सके। तो वही हमें यहाँ पे अपने मार्क एलिमेंट्स का यूज करना होगा। मार्क हमने स्टार्ट कर दिया, अब हमें क्या करना होगा, इसे क्लोज भी करना होगा। स्लैश का यूज करा और यहाँ पे लिखते हैं हम मार्क। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और हमारे ब्राउजर विंडो पर स्विच करके हम उसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हमारा ये एप्लीकेबल हो रहा है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, ये आपका टेक्स्ट क्या कर दिया गया है, मार्क कर दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका मार्क शो करवा रहा है, जितना भी हमने फर्स्ट हमारा लिया था वो हमारे एलिमेंट को, उस टेक्स्ट को हमारे वेब पेज पर एज अ मार्क्ड शो करवा रहा है। ठीक है,
ऐसा करते हैं, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। मार्क करने के बाद हमने जो नेक्स्ट देखा था, वो देखा था कि हमारा जो टेक्स्ट रहे वो थोड़ा सा नॉर्मल टेक्स्ट से क्या हो जाए, थोड़ी सी साइज उसकी बिग हो जाए या स्मॉल हो जाए, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल वी, ठीक है। बोल्ड को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अगर हम बोल्ड रखेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा कि हमारा नॉर्मल टेक्स्ट क्या है, स्मॉल टेक्स्ट क्या है, एंड हमारा जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको सबको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, सबसे पहले ब्राउज़र विंडो पर आकर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्मल आपको दिख रहा है, हमारा जो फर्स्ट है जो कि मार्क एंड बोल्ड दोनों, ये हमारा नॉर्मल है टेक्स्ट, ठीक है। अब हम स्मॉल टैग का यूज़ करके देखते हैं कि स्मॉल किस तरह से अप्लाई होता है। स्मॉल टैग, ठीक है, ओपन करा है तो इसे क्लोज भी करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स को स्टार्ट एंड क्लोज करेंगे, स्लैश का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्मॉल, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे, स्विच करते हैं विंडो को, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए इसकी साइज़ क्या हो गई हमारे टेक्स्ट की, हमारी थोड़ी स्मॉल हो गई, जो पहले साइज थी उससे थोड़ी सी स्मॉल हो गई है। तो ये होता है हमारा स्मॉल टैग। स्मॉल टैग की जगह अगर मान लीजिए हमें अब बिग टैग का यूज़ करना है, जो कि हमने अभी स्लाइड पर देखा था कि हम कौन कौन से टैग्स पे वर्क करेंगे, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया बिग, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देते हैं बिग, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं हमारी ब्राउजर विंडो, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए इसकी साइज़ थोड़ी इससे भी ज़्यादा बिगर हो गई है, यानी ये टेक्स्ट जो हमारा वेब पेज पर शो होगा उसकी साइज़ क्या रहेगी, थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, यानी उसकी साइज़ थोड़ी नॉर्मल टेक्स्ट से अप रहेगी। हमने अभी तक तीन एलिमेंट्स देखे, मार्क देख लिया हमने, स्मॉल देख लिया, बिग देख लिया। अब हम देखते हैं कि डिलीट का हमारे किस तरह से ऑप्शन शो होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं हमारे बिग को, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिलीट का यूज़ करके देखते हैं, अगर हम इस पेज को डिलीट करना चाहते हैं, और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना पेज, इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट टैग का यूज़ करेंगे। इस बार हम लास्ट में ना लगा के यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, DEL, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, यहाँ आके हम रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए जो भी हमारा डिलीटेड टेक्स्ट था वो इस तरह से जैसे स्ट्राइक थ्रू होता है, वैसे ही इस पर भी हमारे लाइन आ गई है कि ये टेक्स्ट जो है हमारे वेब पेज के कंटेंट से हमने क्या करा है, डिलीट करा है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, साथ ही अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं कुछ, ठीक है, इंसर्ट के लिए हम INS का यूज़ करते हैं। INS के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो, लिख देते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ क्या वर्ड कर रहे हैं, हेलो ऐड कर रहे हैं, और उसके लिए भी हम INS को क्या करते हैं, जो भी हमने इंसर्ट टैग लगाया है उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये बॉडी हमारा एकदम अलग है, उस पर हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं करी, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, F5 से रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो हेलो है इंसर्टेड है, इसलिए इसके नीचे देखिए अंडरलाइन की तरह हमें एक लाइन शो हो रही है, क्योंकि ये क्या करा गया, इंसर्ट करा गया, ठीक है। हमने मार्क सीख लिया, हमने स्मॉल करना सीख लिया टेक्स्ट को, बिग करना सीख लिया, हमने डिलीट करना सीख लिया जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, हमने इंसर्ट करना सीख लिया। अब हमारे दो टैग्स रह गए हैं, एक तो हमारा रह गया है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का, ठीक है। सपोज हम इस हेलो को इंसर्ट तो करना है, बट इसको हम रखना चाहते हैं सुपर स्क्रिप्ट वाले में, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, इसको SUP कर देते हैं, ठीक है। SUP अगर हमने स्टार्ट करा है तो इसे हम क्लोज भी करेंगे, तभी हमारा ये एक्टिव होगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, नॉर्मल अभी आप देख रहे हैं इस तरह से आपका आउटपुट शो हो रहा है। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हेलो हमारा का चला गया टेक्स्ट के थोड़ा अपर साइड में, यानी ये एज ए सुपर स्क्रिप्ट में हमें शो हो रहा है। टेक्स्ट तो नॉर्मल जो इसकी हाइट है उससे अपर साइड में हमें शो हो रहा है। तो ये तो था हमारा सुपर स्क्रिप्ट। मान लीजिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इस वाले पेज को क्या करते हैं, सब अप्लाई करके देखते हैं, SUB, ठीक है। यहाँ पे जो हमने पेज लिख रखा है उसे हम सब अप्लाई करना चाहते हैं, SUB, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर। देखिए अभी आपको दिख रहा है कि किस तरह से आपकी स्क्रीन पर नॉर्मल है सब कुछ। जैसे हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये पेज का चला गया हमारे बॉटम की साइड चला गया, नॉर्मल जो हमारे फॉन्ट की लेंथ है उनसे बॉटम साइड में। जैसे हम लिखते हैं H2O X की पावर्स, तो उनके लिए हम सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं।
आज की वीडियो में हमने इन 7 फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में वर्क करना सीखा कि इन पर किस तरह से वर्क किया जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज़ हम हमारे वेब पेज के कंटेंट्स के लिए किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।